सर किस तरह का केस मिला और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या पूरा मामला है? 13 तारीख को एसपी सहारनपुर द्वारा एक सूची दी गई है, उसके आधार पर यहाँ पे जो भी देवबंद से बच्चे आए थे उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 84 बच्चे हमारे होम क्वारंटाइन में पहले आ चुके हैं, जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, उनके लगातार मेरे चेकअप वगैरह होते रहे। फिर जब वो सूची 13 तारीख को मिली तो उससे उन 84 बच्चों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो एक बच्चे ने 32 अन्य बच्चों का भी नाम बताया जो कि अलग से किसी बस के माध्यम से इस जनपद में प्रवेश किया। तो उनके बारे में जो सूचना मिली तो उसको लेकर के उन सभी के सैंपल 15 तारीख को इकट्ठे करके उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उसमें से एक बच्चे की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है जो कि पॉजिटिव आ गई है। इससे पहले अभी कुछ बच्चों का आना बाकी है, तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल हम लोग यहाँ पे आए, उस बच्चे को वहाँ से निकाल करके उसको मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ भेजा जा रहा है, उनके परिवार को भी इस स्टेशन क्वारंटाइन के लिए मऊ भेजा गया है। परिवार के कितने लोगों को भेजा गया है? इस परिवार में 7 सदस्य थे, तो एक बच्चा है वो जिसको पॉजिटिव आया वो जाएगा मऊ, 6 लोगों को उसको मऊ जाता है। आसपास के क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? आसपास क्षेत्र पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो गया है, जो इसके पूरा मीटर से लागू किया जाएगी, पूरा सील बंद किया जाएगा एरिया को, सारी व्यवस्था बाहर से ही वही आती है सूचित की जाएगी, इससे कोई कठिनाई न हो। लेकिन अब उस बच्चे के द्वारा उनके फोन नज़दीकी है, उनके कैसे उनका संपर्क विभाग क्या है, आज जानकारी लेकर के फिर आगे से कार्रवाई की। सर पूरा गोपालगंज हॉटस्पॉट किया गया है? पूरा गोपालगंज। Thank you.